गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में केवल एक विभाग के एक एक मंत्री हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, ये एक ब्रह्मांड में विभागीय मंत्री हैं और इनका पिता एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री है और परम अक्षर ब्रह्म समझ लो असंग ब्रह्मांड के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर कुल मालिक वो वासुदेव है। वासुदेव का अर्थ है सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, जो सबके ऊपर निवास करता है, यानी सबके ऊपर वो कंट्रोलर है, उसको वासुदेव बोलते हैं। तो वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम वासुदेव था और वो वेदों में लिखे हुए भगवान की उपमा के से ही नाम सेलेक्ट करके गुरु लोग अपने जो अनुयायियों के यजमानों के वह नाम रख दिया करते थे। लेकिन श्री कृष्ण नोट वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था। वासुदेव का अर्थ तो बहुत गहरा होता, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपद्यते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो बताया कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं तो उससे उनका लाभ कुछ नहीं होता, इसलिए वो मेरी साधना ना करते। गीता जी उसमें लिखा कि तीनों गुणों के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी के रूपी त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कह रहा है, अपनी साधना बताता है 7वें अध्याय 16, 17 और 18 में तीन श्लोकों में कि मेरे भी चार प्रकार के मेरी साधना करते हैं, अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी मुझे पसंद है क्योंकि इसने समझ लिया भगवान पाने के लिए हमने केवल सत साधना करनी होगी और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। इस उद्देश्य से उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा त्याग दी, उन ज्ञानी आत्माओं ने, वो ब्रह्म साधना कर रहे हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी मेरे वाली अनुतम गति में श्रेष्ठ रहे क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, उनको वासुदेव का पता नहीं चला। वासुदेव कौन है, वो समर्थ शक्ति कौन है, समर्थ का सरना गहो रंगोरी हो, कदे ना हो अकाज राम रंगोरी हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उसकी उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो उस संत की साधना तत्वदर्शी संत से मिलेगी, वो मिलेनी जिस कारण से वो ऋषिजन, वो ज्ञानी आत्मा ब्रह्म साधना पर ही लगे रहे और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया। इसलिए कहता है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे। क्यों? अब 18, 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपद्यते। बहुत बहुत किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना करते हैं, नहीं तो आन उपासना में ही, जैसे किसी का जन्म हो गया मुसलमान धर्म में वो अपनी और पूजा करे और ब्रह्म का बेराय को नहीं, किसी का जन्म हो गया ईसाई धर्म में वो कुछ और ही साधना करे उनको भी पता नहीं, और जिनका जन्म हो गया हिंदू धर्म में वो अपने हिसाब से और नीचे सतर की साधना में लगे, ब्रह्म तक बुद्धि उठती ही नहीं। कहते हैं बहुनाम जन्मानाम अंते, गीता ज्ञानदाता कहता है ज्ञानवान माम प्रपते, वो ज्ञानी आत्मा मुझ ब्रह्म की भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति सैव आत्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला संत बहुत ही दुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वम सब कुछ का मतलब है वही सर्वसृष्टि रचना रहे, वही हमारे पाप कर्मों के दंड का नाशक है, वही हमें सुखी कर सकता है, वही हमारे जो ना प्रारब्ध के दुखों का निवारण कर सकता है, वही हमारी आयु बढ़ा सकता है,
और वही हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा सकता है। उसकी शरण में जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आते, और उसकी शरण में जाने से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। कहते ये बताने वाला संत साधु महात्मा सुदुर्लभ है, यानी अति दुर्लभ है, घना दुर्लभ है। और यही सूक्ष्म वेद में कहा है, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा, कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। एक भक्त था झुमकरा नाम था, वैसे तो राम राय था उसका नाम, उसे झुमकरा कहा करते थे। और वो आदरणीय गरीबदास साहेब जी के पास पहुँच गए गांव छुड़ानी में, वलोदियाना के पास वासीर गांव का एक सरदार था राम राय झुमकरा। तब ज्ञान से परिचित हुआ, वहाँ पहुँचा गरीबदास साहेब जी के पास, तब उसने कहा कि हे भगवान ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया को नहीं। आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने कहा था कि बताया तो था, जैसे आदरणीय नानक साहेब जी ने बताया था, लेकिन उसके ज्ञान को कोई समझ नहीं सका। और आप तक जो पहुँचे वो लोक वेद पहुँचा हुआ, नानक साहेब जी वाला ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। बताया तो था उन्होंने, उनका बड़ा विरोध हुआ था उस समय। तो क्या बताते हैं कि अब झुमकरा पूछ रहा राम राय आदरणीय गरीबदास साहेब जी से, वो सरदार जी के हे भगवान ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया नहीं। तब उन्होंने कहा था कि करोड़ों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गोरख सुनो रहे झुमकरा, यो तत्व भेद कोई ना कह रहे झुमकरा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रहे झुमकरा, ये पैसे के ऊपर बने बैठे जा रहे ब्राह्मण गुरु जो नकली बने फिर, इन पैसा चाहिए तत्व ज्ञान इन पे है ही नहीं, ये अधिकारी नहीं गुरुपद के, और ये गुरु बने बैठे सारे। और करोड़ों में कोई नहीं मिला रहे झुमकरा, करोड़ों गुरुओं में नहीं है, अरबों में कोई गर्क है अपनात्म, जैसे एक गांव में और 15,000 की आबादी है तो गणे नहीं, तो उसमें तो 5,000 गुरु पाएंगे, 5,000, ये तो थोड़े थोड़े बताऊं मैं, कैसे गुरु पाएंगे, जैसे कोई तो जाड़े लड़िया पाओगा, और जैसे किसी बेटी बहन के बच्चे के तकलीफ हो जाती है तो सास बताओगी इसका कान तला टीका ला दे, एक गुरु, फिर दूसरी बताओगी नौका इसका बर लीगा हो रहा है, इसके ऊपर 100 रुपया वायर का बर लीगा दर दे, तीसरी आओगी नौका इसका भीतर लियागा हो रहा है, कुछ और बताओगी गुड़गाड़ गेहूँ गेहूँ वो रख दे, और चौथी आओगी इसका चौराहे वाली का हो रहा है वो दर दे, हैं और कितने ले जाएंगे, वो कहा माथा टिकवा लिया वहाँ, कोई कहेगा वहाँ जोड़ बनवा लिया इसने, यानी एक ऐसे ऐसे 5,000 ग्रुप आएंगे उस पूरे गांव में। अभी हिसाब ला लो कितनी जनसंख्या भारत इस पूरे विश्व की, कहते करोड़ों में नहीं पावा था ना, ये सत्य ज्ञान बताने वाला, बाकी ये नकली गुरु से हैं जो लाखों लोग भ्रमित करें, इनके पास भी तत्व ज्ञान नहीं। तो कहते कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा, अरबों में, उसमें अरबों में गर्क गरीबदास जी थे आदरणीय गरीबदास साहेब जी, उसकी कोई सुना नहीं था, अरबों यानी पूरे विश्व में एक कह, तो अरबों में आज इस दास के ऊपर कृपा है इस परम पिता परमेश्वर कबीर भगवान की, इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, उनके पास ये गर्क का अर्थ होता है यानी सब तरह से कंप्लीट, जो कह रहा अच्छा गर्क है भाई, यानी कोई चीज को ठोक ठोक कर रखा हो ना बोरी में, जो कह कति गर्क ठोक रखा भाई, खांड में रखी हो कोर भी हो, तो यानी वो चीज कहते हैं जिसके पास कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे उसको आदेश भी हो, अरियो ज्ञान हो, नाम देने का आदेश हो, अधिकार हो, तो ये सब सारे जो है ना फॉर्मेलिटी उसके ऊपर पूरी हो उसके पास, वो तो अरबों में एक पावेगा, अरबों में कोई ग्रक सुनो रहे झुमकर न, इस ज्ञान को सुनकर दास से ये चोर हो गए होंगे, एक दो चोर नाम देने लग भी जाएंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे पुण्यात्मा, जब राजा परीक्षित को सातवें दिन सर्प ने डसना था और व्यास जी ने श्रीमद सुधा सागर यानी श्रीमद भागवत सुधा सागर का
लेखन कार्य क्या था, राइटर था उसका वो, उसने भी ये कह दिया था कि मैं अधिकारी नहीं हूं ये कथा सुनाने का। और वहां और भी जितने ऋषि महर्षि थे सब ने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कारण क्या था कि सातवें दिन परिणाम आना था, तो सब ने पीछे हट गए, वो बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे, कि नहीं हम क्यों किसी के जीवन के साथ धोखा कर, हम अधिकारी नहीं है कि इसकी जीवन रक्षा कर सके, यानी इसको वो लाभ दे सके जो इस कथा सुनाने से हो सकता है पाठ से। तो सुखदेव जी बुलाए गए थे स्वर्ग से उन पांडवों की प्रार्थना से। पांडवों ने अपने पुण्य दिए, क्योंकि वहां तो सिक्के पुण्य के चले हैं स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में से उसके आने और जाने का विमान का खर्चा उन पुण्यों का वहां से प्राप्त हुआ था उसको पांडवों से। तो यहां आकर के उस कहते सुखदेव ने सात दिन वो कथा सुनाई थी। उस समय ये कहाँ गए थे ब्राह्मण जो आज जगह जगह कथा करते फिर हैं, कहाँ गए थे ये संत जो आज जहाँ देखे वहीं संत और दुनिया ने गुमराह करें बैठे हैं। तो वो बुद्धिमान थे, समझदार थे, इसलिए उन्होंने ये रिस्क मोल नहीं लिया और जितना लाभ उस कथा से होना था वो भी सुखदेव जी के मुखारविंद से उच्चारित होने से हुआ, क्योंकि जिसके पास कोई शब्द शक्ति होती है उसी के द्वारा दिए गए वचन से कुछ लाभ हो सकता है। अब जैसे एक कोई कार्य हो रहा था सड़क का, सड़क बना रहे थे, तो वहां एक आम व्यक्ति जाकर कहता है कि तुम ऐसा कर दो, वो नहीं कर रहे थे और अधिकारी के पास उन्होंने प्रार्थना की, अधिकारी ने आते कहा कि तुम ऐसा कर दो, तो उस अधिकारी के कहते उन वर्करों ने वैसे ही कर दिया, क्योंकि अधिकारी के वचन में शक्ति थी और उनके वचन में शक्ति नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा से जो कनेक्टेड है, सरकार का जो व्यक्ति हो गया यानी जो उसका नौकर है, उससे ही आगे काम हो सकते हैं, आम व्यक्ति के कहने तो वो कार्य नहीं हो सकते, इतना समझ लेना। तो इस प्रकार हम अब जो कथा करते पढ़ते हैं, गरीबदास साहब ने कहा था ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहा जो मकरा, इन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं, पैसे चाहिए इनको। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।